हाँ तो और क्या भाई, अब तो कर लोगे भाई। ये 0 से 90 डिग्री में ध्यान रखना। अब इसमें वही 45 आएगा, इसमें 45 डिग्री आएगा, वहां पे 1/√2 हो जाएगी। ठीक है, और ये LN of LNX भाई, इसमें क्या ग्राफ बना लेना। ठीक है, और ग्राफ किसके बनाओगे, एक्स की पावर एक्स का ग्राफ बना लेना डी ऑप्शन में। तो एक में तो एक्स की जगह LNX है, और एक में एक्स की जगह LN of LNX है। ठीक है, बस वो देख लेना कि इस बाउंड्री में ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जीरो हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो फिर दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी तक, अरे बाबा इनको मिक्स करो तो यहां पर आ जाएगा x अपॉन x माइनस अल्फा प्लस फिर ये वाली टर्म, फिर इन दोनों को जोड़ो, याद आया कुछ? तो कुल मिला के ये ऐसा आ जाएगा x³ अपॉन, नीचे इकट्ठे हो जाएंगे फिर ये, इसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की मैनिपुलेशन होती है। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी, और कोई पार्ट डाउट है क्या? डी पार्ट डाउट, सी पार्ट डाउट, ए सी पार्ट में ग्राफ बनाना। ठीक है भाई, नंबर ऑफ लोकल एक्सट्रीमा तो कर लो इसको डिफरेंशिएट, ये हो गया x/2 = sin x, ये ग्राफ बना के देखो, साइन चेंज देखना। ठीक है, देख लो एक ही रूट आ रहा है, 0, और क्या रूट आएगा। और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ f(x) इज मोर देन, भाई मोड x को t डाल देंगे, तो अगर ये -1 से 2 है तो फिर t 0 से 2 है ना, मोड है। बस ये एक नया फंक्शन लिख लो f(t) जैसा ही, जो है 2t³ + 3t² - 12t+1। अब इसकी रेंज निकाल लो व्हेन टी बिलोंग्स टू 0 से 2, कर लो। ग्रेटेस्ट वैल्यू 5 आ रही है। हाँ आ रही होगी, ठीक है, क्या करना उसको, इंटरवल में ब्रेक मत करो, मोड से बच जाओ, मोड एक्स को टी पुट कर दी। ग्रेटेस्ट वैल्यू इज मोर देन, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इज मोर देन 2 से तो बड़ी है नहीं, 3 से बड़ी है नहीं, 4 से बड़ी है नहीं, 5 से बड़ी है नहीं, तुम्हारा गलत आ रही है। ठीक है, तुम्हारा गलत आ रही है, ये तुमको इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है, डी ऑप्शन भी नहीं गलत है। पढ़ाओ, मैं कैलकुलेशन देखो तुम, नहीं क्या करूं, 5 आ रही है। क्या दिक्कत क्या है, 1 मिनट रुकना, फोर्थ में आंसर देखना। फोर्थ में डी में आंसर है PQRT, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ f(x) इज मोर देन, बे सही तो है, सही तो है फिर। अरे हाँ, एक तो संगति का असर टीचर पे भी होने लग गया लग रहा है, ये मोर देन तो 2 से बड़ा ही है ना, 5 ही है तो 2, 3, 4 और 0 सब आएंगे। ठीक है, हाँ जी, तुम्हारा आईक्यू कम है, मेरा आईक्यू कम कर दिया तुमने, 5 में ABCD। डी पार्ट, अरे ऐसे क्वेश्चन सीरीज से कर लिया करो ना भाई, क्यों परेशान करते हो हैं भाई। e^x की सीरीज लिख लो, x+x² 1+x+x² ठीक है, -1। अब x से डिवाइड कर दो, ठीक है, अब ये चीज तुम 0+ पुट कर रहे हो तो ये 0+ ही आएगी, तो नीचे 1 से बड़ी क्वांटिटी होगी, तो ये पूरा 1 से छोटा आ जाएगा, 0 आ जाएगा इसका आंसर, समझे?
सब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सब? अच्छा D4 डन है, चलो D4 डन पहले बोलते हैं। अच्छा हाँ 6 7 ये दोनों करवाते हैं। ठीक है, अच्छा इस डी के चक्कर में मैंने 3 4 पार्ट बता दिए ऐसे ही है ना। सिक्स में ABCD। इसमें सब डिफरेंट आ रहे हैं आंसर। इसमें एक तो एक काम करना, यहाँ पर है ना ये मैक्सिमम नहीं है ना, ये हटा देना, ये मैक्सिमम नहीं होता है, ठीक है, ये मिनिमम मैक्सिमम नहीं है। हाँ भाई पूरा क्वेश्चन ही गलत है शायद, सब कुछ सही है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं, सब क्लास में करवा रखे। रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ऑफ मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर। देखो ये सर्कल तो नहीं है, स्फेयर जैसा मानना पड़ेगा है ना, ये सिलेंडर बना दो। ठीक है, यहाँ पे सेंटर दोनों का है ना, सेंटर पॉइंट ये आर, स्फेयर की रेडियस है ना, और ये स्मॉल आर सिलेंडर की रेडियस, यहीं से थीटा कंसिडर करो, तो ये जो लेंथ है वो आर कोस थीटा। ठीक है, और एक मिनट आर है ना, ठीक है, इसमें आंसर गलत है शायद, नहीं आंसर में मेरे पास कोई खास करेक्शन नहीं है, ठीक है, तो आंसर में कोई खास करेक्शन नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो वे एक काम करते हैं, वैसे इसे हो जाना चाहिए भाई, दिख गया क्या, ये आर साइन थीटा आ जाएगा, और ये जो हाइट है वो आर प्लस आर कोस थीटा, और डीवी बाई डी थीटा 0 कर दो, ठीक है, थीटा आ जाएगा। ऐसी कैलकुलेशन कर रखी है क्लास, वो जैसे क्वेश्चन करते हैं उसमें होती है। इससे नहीं आएगा, एक मिनट रुकना है, थोड़ा सोचने दो, एक मिनट थोड़ा सोचने दो। एक मिनट, एच गलत आ रहा है, गलत है ये एच नहीं। हाँ एक्चुअली ये आर तो पूरा जाएगा बाहर तक जाएगा। हाँ, एक मिनट, फिर इसको अपने काम करते हैं, इसको है ना ऐसे नहीं करते पाइथागोरस से निपटाते हैं, क्योंकि वो एच आर आर प्लस आर कोस नहीं है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये वापस डायग्राम बनाएगा। तुम्हारे भी ये, तुमने भी शायद ऐसी गलती की होगी इसमें, क्योंकि ये यहां तक ही आ रहा है ना हाइट तो, और अपन वो रेडियस यहां तक ले रहे हैं, इसलिए चक्कर पड़ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, सेंटर से ज्वाइन किया ये आर है, ठीक है, और ये स्मॉल आर बोल दो, पाइथागोरस से ही कर रहा हूँ ना, ठीक है रुको, पाइथागोरस से ही करते हैं, ये सेंटर पॉइंट है ना, तो फिर ये h/2 है, सिमेट्रिक फिगर लिया मैंने, मतलब वो मैक्स मिन आएगा तो सिमेट्रिक ही आएगा वो। ठीक है, तो फिर अपन क्या करें, यहां से वो पाइथागोरस दिख गया कि आर स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस 4 + r² बस एक वेरिएबल में आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो गया, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं,
सो कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर बाई फोर इंटू एच। अब अपन डीवी बाई डीएच जो है जीरो कर देते, ठीक है, तो एच अंदर डाल दो। सो आर स्क्वायर माइनस एच क्यूब का 3 एच स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू जीरो। देखिए क्या एच की वैल्यू जो है 2R/√3। क्या पूछा है? मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड रेशियो कर लोगे, आर कट जाएगा है ना, अब हो जाएगा ना एच की वैल्यू 2R/√3। चलिए हाँ भाई, अब इसमें वो कर लेना, इसमें वो जो किया था ना अपन ने आर प्लस आर कोस वाला और आर साइन थीटा वाला और 1/3 पाई, इसमें वो हाइट बैठ जाएगी, इसमें डीवी बाई डी थीटा जीरो करते ना, इसमें वो ये क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8। आठवां सवाल, 8वें एमजीएम जाएंगे, नॉन नेगेटिव दे रखे हैं ना रियल नंबर इसलिए, पर इसमें एमजीएम से क्या मिनिमम वैल्यू आती है आपको याद है? अपन एक बार मैंने आपको एक यूट्यूब पर एक छोटा सा वीडियो का लिंक भेजा होगा, फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू यूजिंग एमजीएम इनइक्वालिटी, उल्टा एमजीएम लगाने वाला, याद आ रहा है कि है ना? मैं वो वीडियो वापस बनाने का सोच रहा हूँ, बढ़िया बनाते हैं उसको है ना, अच्छे अच्छे सवाल लेके उस, हाँ उस पे उस कॉन्सेप्ट पे वापस बनाते हैं, ठीक है। अच्छा आज एक बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सोल्व करोगे उसको, जैसे वो इंटीग्रेशन का किया था ना वैसे एक बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन आएगा आज, यूट्यूब पर ही आएगा, लिंक विल बी अवेलेबल वेरी सुन। हाँ ठीक है, तो करना उसको, मेरे को नहीं मिला इसलिए नहीं बना। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, तो भाई ए की पावर 5 + b की पावर 5 है ना, लेस देन 1 दे रखा है, आप क्या करो, 4 भी बता देंगे भाई, 8 बता रहे तो 2 पेन थोड़ी है मेरे पास है, एक ही पेन चलता है ना, एक बार बता देंगे भाई, ए स्क्वायर और सी क्यूब है ना, बी स्क्वायर और डी क्यूब 1 2 बार है, सी 3 बार है, पावर पावर से देखते हैं। मैंने क्या किया आप यू समझो कि ए की पावर 5 + a की पावर 5 और यहां पर किया मैंने सी क्यूब है ना, सी की पावर 5 सी की पावर 5 सी की पावर 5 3 बार डिवाइडेड बाय 5 is greater than equal to, ये आ जाएगा ए की पावर 10 सी की पावर 15 की पावर 1/5, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी क्यूब, राइट, बस ऐसा आप दूसरा भी लिख दो, ऐड कर देना बस, ठीक है। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन में यार क्या है, एफ डैश इज इंक्रीजिंग, तो एफ डैश इज इंक्रीजिंग तो एफ डैश निकाल लो, ठीक है, पूरा एफ डैश लिख लो, ऊपर वाले पार्ट को भी पॉजिटिव करना, नीचे वाले पार्ट को भी पॉजिटिव करना भाई, ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स और ये आएगा 1 + 2ax - 3x² ये एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, ये एक्स लेस देन जीरो के लिए, अब इसको ही पॉजिटिव करो ना, ठीक है, डबल डैश मत निकालो, इसी को पॉजिटिव कर दो, एक्स ए ई की पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, बस ये बन जाएगा 1 + ax is greater than equal to 0, ठीक है, नीचे वाले में अजीब आ रहा, बाद में नहीं बन रहा है, एक काम करते हैं, अच्छा नीचे वाले में फंसे हो ना, नीचे वाले में डबल डैश निकाल लो ना फिर, एक काम करो नीचे वाले में डबल डैश निकाल लो, हाँ ठीक है, अच्छा एफ डैश इंटरवेल इन विच एफ डैश इज इंक्रीजिंग भाई, हाँ रुको, डबल डैश कोई बोल रहा था, सही बोल रहा था,
मैंने क्वेश्चन बोला एफ डैश इज इंक्रीजिंग, तो डबल डैश निकाल लो पूरे में, पूरे में ठीक है, पूरे में डबल डैश निकाल, तो नीचे वाला पार्ट क्या आ जाएगा, 2a माइनस 6x x लेस देन 0 के लिए, तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए ठीक है, तो यहां से आ जाएगा a बाई 3 और ये x, ऐसे समझ लो है ना, और क्योंकि x की वैल्यू 0 से ज्यादा है ना इसमें, हाँ x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो a की वैल्यू भी वैसे कर लो ना 0 से ज्यादा ही होनी चाहिए, वो बाउंड्री वो करते ना वो उससे बड़ा है तो ये इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, वो वैसे करते हैं। हाँ अब बताओ वैल्यू का क्या चक्कर पड़ रहा है, 32 आएगी, एक मिनट अगर मेरे पास वैल्यू लिखी हुई तो मैं आपको मैच करवा देता हूँ, ए बाई थ्री भाई के की वैल्यू माइनस टू आ रही है, 3 और माइनस टू, हाँ ठीक है 3 और माइनस टू, हाँ ठीक है यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ना अपन कर चुके हैं है ना, क्वेश्चन नंबर 10 जो है अपन कर चुके हैं, मैं कैसे बताऊं तुमको, ये कहाँ था, एक्सरसाइज 1 में था, चलो वापस बता देता हूँ, ये माइनस टू से टू था इसका वेरिएशन, क्योंकि वाई बिलोंग्स टू आर है, उसमें से एक्स कर लो माइनस, तो ये जो एफ ऑफ एक्स है वो हो जाएगा माइनस टू माइनस एक्स मोड में, और ये आ जाएगा टू माइनस एक्स, इसको लिख लो एक्स माइनस टू और इसको लिख लो x प्लस टू, इनका मैक्सिमम देखना अभी बना देते हैं भाई, x प्लस टू और x माइनस टू, एक ग्राफ तो ऐसा और एक ग्राफ ऐसा राइट, अब ये बोल रहे इनका मैक्सिमम देखो यार, इनके मैक्सिमम में तो क्या करोगे तुम, इनके मैक्सिमम में तुम ऊपर वाला ग्राफ देखोगे है ना, तो ये यहां से देख लो ऐसे कि ये सर ऊपर आ रहा है इधर है ना, और ये ऊपर आ रहा है, ये जो मार्क किया है वो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, अच्छा उसका मिनिमम पूछा है, उसका मिनिमम पूछा है, ये रहा याद आएगा, मैं आपको वो एक्सप्रेशन याद कराता हूँ, अरे यार वो क्या था, साइन एक्स प्लस अपॉन 3 प्लस साइन एक्स कुछ था ऐसा बी करके, याद आया क्या, मैंने बोला था इसकी रेंज है कुछ बोला था 0 से लेके 3 बाई 2 उसमें बी जोड़ा था, इसका मिनिमम मार्क करके उसका मैक्सिमम बताना था, ऐसा कुछ था एक क्वेश्चन एक्सरसाइज वन में, देखना तुम दो बार है वो ठीक है ना, चलिए ओके क्वेश्चन नंबर, और कोई डाउट इधर, 13 में क्या करो एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, ऐसा बन गया, और x माइनस वन बाय एक्स को t पुट करके बना लो कुछ, इसमें क्यूब कर देना इसके लिए ठीक है, और कोई दिक्कत जल्दी से, 17 से 22 क्वेश्चन नंबर 10 में 0 पे ब्रेक किया, क्वेश्चन नंबर 10 में, अरे ये वाई वेरिएबल जब होते थे इसे ब्रेक मत करो, दोनों वेरिएबल होते थे ठीक है, 20 में क्या हो गया, इस वाली इक्वेशन के रूट्स, एक काम करो इन सबको इधर ले लो एक ही साइड पे और इसको बोल दो नया फंक्शन, ये ठीक है ना, कौन सा 20 ही कर रहे हो ना अपन, हाँ ठीक है, एफ डैश निकाल लो, कोशिश करो कि वो हमेशा पॉजिटिव आए, नहीं बता पा रहे हो डबल डैश निकाल लो, नहीं बता पा रहे हो ट्रिपल डैश निकाल लो, ए पॉजिटिव है ही है, अब पॉजिटिव आ गया, इसके इससे कमेंट, इस पे कमेंट, इस पे कमेंट,
ठीक है चलिए, और कोई दिक्कत? 12वां क्वेश्चन, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या कर लोगे तुमसे ये सोल्व हो जाएगी क्या? सर दोनों साइड ग्राफ मत बनाओ, इनपुट दोनों के सेम जा रहे हैं विट्टल, ऐसे मत करो, गड़बड़ हो रही है उसमें, है ना। एफ डैश ही निकालो ना सीधा, इसका एफ डैश पॉजिटिव दिख गया क्या? 2012 आ जाएगा पावर पर 2000, ये पॉजिटिव एफ डैश पॉजिटिव दिख गया ना, एक ही रूट आएगा आएगा तो, और ये ओड डिग्री है ना, आएगा रूट तो, है ना, ओड डिग्री टाइप से दिख रहा है, इन्फिनिटी माइनस है, ठीक है चलो आगे बढ़े, हो गया डन है तुम्हारा एओडी। चलिए तो अपने बहुत बड़े पड़ाव को पार करके अब आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि अब थोड़ा थोड़ा एओडी में कॉन्फिडेंस आ गया होगा, अब तो कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है जिंदगी में, अब तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, रेडी चलिए तैयार आ जाओगे। यार 11th वाले बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा मैं, तो बहुत चिंता हो रही है, कल तो मैं पिस गया, एक बच्चा पेरेंट्स के साथ है ना मिलने आया, मैं से बोले नहीं 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 कॉमर्स वाला नहीं दूसरा, बोले मैथ्स में दिक्कत है, मैंने कहा हाँ बताओ क्या दिक्कत है, कि आपने 50 क्वेश्चन दिए होमवर्क में, मैंने कहा हाँ दिए क्या करना, वो मेरे बच्चे से 40 ही बने 10 नहीं बने, सो वी फील कि आप जितना पढ़ा रहे इसको समझ में नहीं आ रहा है पूरा का पूरा। मैं अपने मन में सोच रहा हूं कि ये बच्चा आगे जाकर जब इंटीग्रेशन की शीट करेगा और जब मैं 50 क्वेश्चन दूंगा तब इसे एक भी नहीं बनेगा, तो तब तो पूरा परिवार आ जाएगा मेरे से लड़ने मैंने उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मान नहीं रहे, यार भाई मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा आप इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी तो देखो, ये 40 क्वेश्चन किए हैं इसमें है? 10 ही तो नहीं बने, मैं बता रहा हूं ना, मतलब आप क्या उम्मीद करते हो कि 50 के 50 बन जाए, और हमारा बच्चा तो बहुत ब्राइट है, आप समझ रहे हो, वो तो वो वाली बात है ना यार, कैसे समझाओ, वो 10वीं क्लास में वही 100 में से 100 आए हैं, समझ गए ना, यहाँ पर तो अगर 49 क्वेश्चन भी हो जाए ना तो भी एक नहीं हुआ, समझ वही मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है एक तो एक से ही सीट चली जाए, थोड़ी एक से ही टू की थोड़ी हवा लग जाए उसको तो शायद अकल आ जाए, मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होते, आधे घंटे तक मैंने भरपूर कोशिश की समझाने की, मैंने कहा इट इज एब्सोल्युटली ओके है ना, नो प्रॉब्लम अगर आपसे 10 क्वेश्चन नहीं बने, फिर लास्ट में वो भी कह रहे ठीक है अब आप कहते हो तो मान लेते हैं, मैं अच्छा नादान बालक क्या करें, चलिए शुरू करते हैं, वाई डैश की जगह डीवाई पे डीएक्स, y dash into y is equal to phi of x into phi dash, हाँ जी if दिख गया, e की पावर phi dash e की पावर phi x y into e की पावर phi x
is e to the power 5x, 5x into 5 dash ka integration, 5 of x ko t, so e to the power t dt ban gaya, e to the power t into e to the power t, which is t e to the power t minus e to the power t. कर लो, डन, ए ऑप्शन आंसर. आगे बढ़े, रेडी. हाँ भाई, अब आपका फ्लो बनना चाहिए ना, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट. बहुत आसान आसान क्वेश्चन है अभी तो, है ना. चलो करो. हाँ भाई, सबका डी आंसर आ रहा है क्या? क्या कोई दिक्कत है? मतलब किसी को दिक्कत हो तो मैं करूं, अन्यथा आगे बढ़े. बोल दो नेक्स्ट. पक्का? ठीक है, हाँ, टाइम टाइम बचाते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट. चलिए, ग्रुप पे डाल दो इसका कैलकुलेशन. अरे अभी भी दिक्कत है तुमको जैकब, हैं? क्या भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा था? 2 sin x cos x. मैंने पूरा सॉल्व किया सर. 1 plus sin square आ रहा था ये. So y into 1 plus sin square is equal to integration of 1 plus sin square into कितना है? ये q वाला टर्म क्या था?
क्यू आर एटम, क्यू आर एटम, क्यू आर एटम, तुमने इसको उधर भेजा होगा, कोसेक्स अपॉन 1/1 साइन स्क्वायर था क्या? और क्यू वाला टर्म, ये भाई नहीं कर रहा मैं इसको ना, एक तुमको क्या आंसर बताना नहीं आता, दिक्कत है। किसको दिक्कत है इस क्वेश्चन में? जेकब को दिक्कत है ना, जेकब? चलो हाँ ठीक है, आपस में डिस्कस करो। आंसर डेली आ रहा है, हो गया डन, चलो बढ़िया। हाँ जी अगला सवाल, तुम अंधे हो? अच्छा काला चश्मा लगा रखा है क्या? हाँ बन रागस है ए शशांक, ओ बन रागस। जी हाँ देख लिया हमने भी। सर आपके पास जानवी, मतलब तुमको क्या करना है, मतलब जो अगला तुम्हारा क्वेश्चन है वो मैं उम्मीद कर सकता हूँ है ना? सो प्लीज शेयर ओटीपी एंड पासवर्ड है, ऐसे ही कभी जरूरत पड़े तो। अरे बाप रे, गजब फ्रेंक हो रखे हो तुम टीचर के साथ। चलो क्वेश्चन लिखो, तो कोई देखेगा तुम्हारी चैट बॉक्स है क्या, मतलब क्या समझेगा वो है? ये करेंगे एडवांस की तैयारी ना? सही है। डेली में सब है, कोई मत लेना सब्सक्रिप्शन। मनन नेटफ्लिक्स वाले और अमेज़न वाले तुम्हारे घर आके सीधा उठा के लेके जाएंगे तुमको, सीधा हेलीकॉप्टर से रस्सी से बांध के पकड़ के लेके जाएंगे, ध्यान रखना। चलिए ओके भाई, इक्वेशन देखो। टेंजेंट एट पी ऑन सी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग दिस, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? डीवाई बाई डी एक्स, और पी वाला पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, और क्यू वाला पॉइंट, इनका स्लोप क्या आ जाएगा? y-0 अपॉन x-1, ये m1 ये m2 है ना, ऑन सी इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो m1 m2 -1 होगी। ठीक है कर लेंगे, यहां से अपन सोल्व कर लेंगे इसको। सो डी वाई बाई डी एक्स इज 1 - x / y, सो वाई डी वाई इज 1 - x (dx). ठीक है आंसर डी है, देखते हैं। ठीक है वाई डी वाई, सो y² / 2 x - x² / 2, डी तो नहीं है। ठीक है पैराबोला कहां से आ गया, पागल हो, सर्कल दिख रहा है मेरे को तेरे। तो x² + y² = 2x + c1 कर देता हूँ, x² + y² - 2x = c1। ये आ गया भाई, c1 निकाल लेते हैं। तो c1 के लिए क्या है? दिस लाइन इज टेंजेंट टू कर्व, टेंजेंट टू कर्व तो
कर लेंगे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सी वन, है ना, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1,0 से डिस्टेंस निकाली उसकी, सो 2 + 0 -15, अरे बाप रे मेहनत करवा दी, 4 और 9 है ना, इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर तो है ही नहीं, माइनस सी तो प्लस सी वन, अरे बाप रे इतना गंदा कैलकुलेशन, 13 और 13 √13, चलो थोड़ा ठीक हो, 1 + C1, C1 12 दिख गया कि ये 12 आ गया, देखना एक बार, तुम तुम्हारी कैलकुलेशन करना, कॉपी मत करना, ऐसे क्वेश्चन में गलत हो जाता है। ये सर्कल है अपना, है ना, ये 12 है सर, डी के चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन सब कर लेते हैं, वो कांस्टेंट पे मेहनत करवाते हैं, ये आजकल का नया ट्रेंड है, सही बात है, आपने देखा ही था पेपर सॉल्विंग क्लासेस में, रिजल्टिंग कर्व पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, पहले उनका इंटरसेक्शन निकालो, पॉइंट सीधा नहीं देते, सी ऑप्शन आ रहा है कि सी ऑप्शन ही आ रहा होगा, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस को टच तो नहीं कर रहा है, पैराबोला भी नहीं है, और वाई इंटरसेप्ट 2√g² माइनस सी निकाल लो, 2√f² माइनस सी, हाँ दिख गया 12, 2√12, सो 4√3 आ गया, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, चौबीस हो गई ना, 25 26 27 28 29 30, 5 लेक्चर हैं अपने पास, ठीक है, एक संडे आ जाएगा बीच में, तो ठीक है 5 हो जाएगा, ठीक है ना, बस यही प्लान है, दिया है ना, 1 जून से अपन मेंस के पेपर लगाएंगे, 1 जून से मेंस के पेपर लगाएंगे, तो जून को हमारा पेपर है, हम 2020 की लगा ले, और क्या करें, क्यों भाई, हाँ उस बारे में कोई आइडिया दो, 2021 के तो कर ही चुके हैं, नहीं वन, हाँ वो तो करेंगे ही, एक एक दिन में एक पेपर, तो 2020 की कर लेते, मेरे हिसाब से 20 भी आ जाते हैं, ठीक रहेगा, जिसका लेवल ज्यादा अच्छा हो, हाँ 20 का ही है वो तो, पुराना एडवांस, अभी सही नहीं रहेगा, एक दो पेपर कर सकते हैं, अभी सही नहीं रहेगा वो, मेंस मेंस का ही करते हैं यार, थोड़ा अलग रहता है, दिन में 2 क्लास रख लो, वो बहुत मुश्किल है, मैं अभी सुपर बिजी चल रहा हूँ, ठीक है, मतलब 9:30 ऑनलाइन से अगले 15 मिनट में मैं ऑफलाइन में प्रकट हो जाता हूँ, ठीक है, 9:45 पे मेरी क्लास होती है, मतलब सुपर बिजी चल रहा हूँ, पेरेंट्स मिलने आते हैं, बच्चे मिलने आते हैं, अभी क्या है वो सब इंक्वायरी और ये सब टाइम है ना, आपका घर वाइब्रेंट के पास है, हाँ यार घर भी लेना है यार कोटा में, देखना पड़ेगा, ट्राई पोली ज्यादा हो सकता है, अच्छा ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को भी ऑनलाइन बुला लीजिए कुछ दिनों के लिए, अच्छा उल्टा बोलते तो मतलब ठीक नहीं रहता, चलो साइन एक्स से डिवाइड कर दिया जाए, कोट एक्स इंटू वाई और कोसेक एक्स, पर आजकल तो ऐसा चल रहा है, हर दिन में एक मेरे को कोई ना कोई मिल ही जाता है, अनअकैडमी का स्टूडेंट सर आपसे पढ़े हुए हैं, अच्छा लगता है,
साइन एक्स आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई इंटू साइन एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, एक्स प्लस सी दिखे वाई की वैल्यू क्या है, एक्स बाई साइन एक्स प्लस सी बाई साइन एक्स। उन्होंने बोला है कि इट इज बाउंडेड व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, ध्यान से सुनना, व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो इट इज बाउंडेड। तो मैं भाई इसमें जो है एक्स टेंडिंग टू जीरो लगूंगा तो इसका जो आंसर है मेरे को क्या चाहिए, फाइनाइट। इसमें भी लिमिट लगाया तो भाई एक्स बाई साइन एक्स तो वैसे ही जीरो है, सॉरी वन है, और सी बाई साइन एक्स में जीरो पे ये इन्फाइनाइट बन जाएगा, वो नहीं बनाना चाहते अपन। उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए सी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। So your function comes out to be y as x by sin x. यहाँ तक बात समझ में आई? Okay, इसके integration पे comment करना है. So 0 से लेकर pi by 2 x by sin x. ये estimation दिमाग में आ रहा है या ना? क्या करते थे उधर? Difference of limit. डिफरेंस ऑफ लिमिट ये करते थे सर, इधर आती है उसकी मिनिमम वैल्यू फंक्शन की और इधर आती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम की बात करें तो सर ये जो जीरो से पाई बाई टू में जो फंक्शन है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि एक्स जल्दी ग्रो करेगा, एक्स जल्दी जल्दी बढ़ेगा कंपेयर टू साइन एक्स, है ना। अगर एक्स नीचे होता तो डिक्रीजिंग हो जाता जो क्लास में करते हैं, ये तो इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऐसे आएगा तो जीरो पर मिनिमम आ जाएगा तो ये तो वन हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स, और पाई बाई टू तो पाई बाई टू ही आएगा, तो इधर आ गया पाई स्क्वायर बाई फोर, ये आई बन गया और ये पाई बाई टू, ऑप्शन है ये रहा। ठीक है, एस्टिमेशन करवा दिया, बढ़िया है भाई, यही करते ना, याद आ गया एस्टिमेशन ऐसे ही करते हैं उसको ओपन की डिफरेंस ऑफ लिमिट, डिफरेंस ऑफ लिमिट इधर मिन मैक्स, और फंक्शन का नेचर देख लो, मिन मैक्स निकाल ही लोगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपने डेफिनेट में कराया है ये? हाँ, डेफिनेट में आखिरी में करवाते हैं। ठीक है, एस्टीमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हाँ जी, आगे हम भी मिलने आएंगे एडवांस के पास, जरूर भाई जरूर पधारे। कल मिला मेरे को इवोल्व वन का स्टूडेंट था वो, है ना, इवोल्व वन का स्टूडेंट था वो, उसका नाम और नाम बोल गया मैं, एक मिनट रुको याद आ जाएगा, एक मिनट, ये कौन फैक्टर कर रहा है, गर्व नाम है इसका, गर्व, हाँ गर्व, पर इसका दूसरा नाम कुछ और था, फिर इसका नाम बताया था अनिकेत शायद, यही छत्तीसगढ़ से। हमको भी ऐसे ही, गौरव भी वाइब्रेंट ज्वाइन करने वाले, हाँ बात हुई थी उससे। आंसर डी आर, ठीक है ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, आई एफ वन बाई एक्स आ गया,
y into 1 by x is 1 by x into minus x. Y into 1 by x is minus x plus c. Y is equal to minus x square plus cx. C की वैल्यू कितनी आ रही? बना रही, ठीक है. So y is equal to x minus x square, right? X minus x square ऐसा बन गया ग्राफ और bounded by x axis. ये रहा. वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है ना भाई, नहीं ठीक. सो जीरो से लेकर वन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये एरिया निकालना था. ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते, फ्लो बनना चाहिए बस, है ना. ठीक है, हाँ जी पढ़ो. एफसीसा एक्स होता है ना. हाँ, सब नॉर्मल. एक मिनट में क्वेश्चन पढ़ के बता दो एक बार. इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 1,0 प्रोडक्ट ऑफ एफसीसा एट पॉइंट पी. तो एक काम करो, पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लो x1, y1, है ना. सो x1 प्रोडक्ट ऑफ एफसीसा ऑफ पी एंड इंटरसेप्ट मेड बाय नॉर्मल एट पी ऑन एक्स एक्सिस. एक काम करते हैं. देखो ऐसा है कि भाई कोई भी कर्व मान लो और ये टेंजेंट हो गया और ये नॉर्मल हो गया, तो ये बोल रहे हैं कि इंटरसेप्ट, हाँ क्या, इंटरसेप्ट मेड बाय नॉर्मल एट पी ऑन एक्स एक्सिस. ये कितना है? अच्छा, प्रोडक्ट निकालना. तो एक काम करते हैं, नॉर्मल लिखना ही पड़ेगा. वाई माइनस वाई वन माइनस वन बाई एम एक्स माइनस एक्स वन. एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा? वाई जीरो, है ना, वाई जीरो डाल दो. सो माइनस वाई वन इज माइनस वन बाई एम एक्स माइनस एक्स वन, हटा दिए. सो एम वाई वन प्लस एक्स वन इज एक्स, ये एक्स इंटरसेप्ट है. तो यहां पे डाल दो एम वाई वन प्लस एक्स वन, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ट्वाइस, ये ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर याद है क्या? एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर का रूट होता है, पर उसका स्क्वायरिंग पूछा है. तो ऐसा है, ऐसे ये सोल्व करना करो. तो ये है एम एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर. एम की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई. होमोजीनियस दिख गया. चलो करो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज वन प्लस टू वी स्क्वायर बाई वी. एक्स डी वी बाई डी एक्स इज माइनस वी, तो माइनस वी स्क्वायर, वन प्लस वी स्क्वायर बाई वी. मेरे से पहले करना है तुम, ये ध्यान रखना. डी एक्स अपॉन एक्स वन बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी. यार वेट करो थोड़ा सा.
ए क्यों आ रहा है? कॉन्स्टेंट तो निकल जाएगा ना, 1,0 से कर्व पास कर रहा है ना। C0 आ रहा है, ऑप्शन कौन सा आ रहा है वो बताओ। C0 आ रहा है, वाई बाई एक्स को 0 है ना, वी को वाई बाई एक्स पुट करने के बाद निकालना कॉन्स्टेंट। ए ही आएगा, उल्लू बना रहे हैं ऑप्शन, ए आ रहा है लेकिन C1 होगा उसमें। ठीक है, मतलब समझ गए बात को। क्या दिक्कत ये है कि वो, हाँ बाकी कोई आ नहीं सकता ऑप्शन में, ठीक है ना, ये और ये गड़बड़ हो रही है, ये तो कभी आएंगे ही नहीं। इसमें पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर इस सी की वैल्यू 1 कर दी तो आ सकता है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन उस टाइप से। ठीक है, बी आ तो रहा है, फिर से वही बात, आकृति तुम क्या, तुम सबसे पहले तुम थे ए ऑप्शन पे, अब बी पे चले गए हैं, कि बार लॉग के बार 1/2 भी है। मैंने कंफ्यूज कर दिया, पर मैंने भी इतना सोचा था, मेरे को लगा आ जाएगा सीधा। ये सब ब्लैक बुक के सवाल नहीं है, ये लो गई पीपी फटाफट। इससे पहले अच्छा, लोग अगले आज एक साइज 1 और 2 दे दो। हाँ मैं तो पूरा दे रहा हूं, एक बुक में सवाल ही कितने हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। करो करो देखते हैं ना, अभी तो टाइम है। ये कौन है? वी आर गेटिंग रेडी टू सेलिब्रेट योर बर्थडे विथ यू टुमारो, हियर इज 750 ऑफ कूपन। हे मेरा बर्थडे मना रहे बैठ के, सही है क्या मतलब? नहीं जोमेटो वाले नहीं है, कोई कपड़े वाले हैं। ठीक कूपन कूपन तुम ले लो ना। हाँ तुमको क्या लगता है वो तुमको 750 ऑफ दे देंगे? अरे बहुत चालाक होते दुकान वाले, ठीक है ध्यान रखना। वहां जाओगे बोलेंगे सर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है ना, सर दिक्कत ये है कि इसमें क्या आपको जो है वो मतलब 20,000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी, फिर सर 750 ऑफ हो जाएगा, समझ रहे हो तुम? ठीक है सही है। हाँ, भाई प्रभात अभिषेक, हाँ वही तो मेरा ये कल्प मना रहे, अब इनको कौन मैं का कल्प मनाओ भाई, ठीक है क्या करो मनाने दो। सो क्वेश्चन पे आ जाओ है ना, इस दुनिया में फ्री की चीज सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, एक हद तक बात काफी सही है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको। कर्व सी पासिंग थ्रू ओरिजिन हैज द प्रॉपर्टी दैट नॉर्मल लाइन एट
वन कोमा जीरो क्या है, ईच पॉइंट एक्स कोमा वाई ऑन इट्स नॉर्मल लाइन एट दैट पॉइंट पासिस थ्रू वन कोमा जीरो, क्या है पासिंग है तो करते एट ईच पॉइंट एक्स कोमा वाई ऑन इट्स नॉर्मल लाइन एट दैट पॉइंट. क्या है एट ईच पॉइंट एक्स कोमा वाई ऑन इट्स नॉर्मल लाइन एट दैट पॉइंट, ये नहीं यार एक मिनट, इन्होंने मेरे ऑपरेटर ने अंग्रेजी लगा दी इसमें शायद, रुको एक शायद उन्होंने अपनी इंग्लिश बीच में इंट्रोड्यूस कर दी. क्वेश्चन ये है एट ईच पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑन द नॉर्मल, एक मिनट, ऑन द नॉर्मल लाइन एट दैट पॉइंट ऑन इट. अरे ये बुक वाले एक मिनट रुकना भाई, नहीं 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 फॉर पासिंग थ्रू ओरिजिन हैज द प्रॉपर्टी दैट एट ईच पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑन इट on at each point the normal line at that point passes. कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे को जहां तक लग रहा है वैसे कि x कोमा y पे लिखा हुआ normal हमेशा 1 कोमा 0 से पास करेगा, हर normal x कोमा y पे जो लिख रहे हो वो 1 कोमा 0 से पास करेगा, राइट? बस ठीक है. सो so, y माइनस y1 माइनस 1 बाई m x माइनस x1 और इसको 1 कोमा 0 से पास करवा दो, चलो पुट करो, ठीक है इक्वेशन आ जाएगी उसे और क्या खत्म. जीरो माइनस वाई वन माइनस वन बाई एम वन माइनस एक्स वन हो गया बस, है ना, एम से एम हटाओ. सो एम वाई इज माइनस एक्स, सो वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, सो वाई डी वाई इज माइनस एक्स डी एक्स, so y square is minus x square plus c, so x square plus y square equal to c1. ये कर पासिंग थ्रू ओरिजिन है, लोचा हो गया बहुत भारी बात. अब ठीक है तो x square plus y square or 2x, so minus 2x is equal to c1. 0 आ गया. x minus 1 का whole square, y minus 0 का whole square equal to 1 square. Circle दिख गया 1 0. Common tangent लिखनी. इसके लिए लिखो पहले. y is equal to mx plus a by m. P equal to R लगा लो इसके लिए, 1 कोमा 0 से डिस्टेंस निकालो उसके, कर लोगे क्या? M निकालना है कॉमन टेंजेंट का, इसके ऊपर टेंजेंट तो क्या लिखोगे, छोड़ो सर्कल. हाँ डी जीरो कर दो, कुछ भी कर लो, कॉमन टेंजेंट का सवाल है, कैसे भी हैंडल कर लो. राब से कैसे करोगे कॉमन टेंजेंट के सवाल, अरे एक पे टेंजेंट लिख के दूसरे के साथ डी जीरो कर लो, खत्म बात. यही कॉमन टेंजेंट में करते हैं और करते क्या. एम स्क्वायर माइनस वन आ रहा है, तुम्हारी जिंदगी में दुख दर्द बहुत है रे. अच्छा यस सर सेम आ रहा है, बाप रे
दिक्कत हो गई सर, मेरे को डेटा चेक करने दो। क्या आ रहा है? एम स्क्वायर माइनस वन आ रहा है ना? और अगर नहीं आया तो एक मिनट सोल्व करता हूँ, क्योंकि डेटा सारे ठीक लग रहे हैं मेरे को। एम एक्स माइनस वाई प्लस वन बाई एम, कहाँ से डिस्टेंस? 1,0 से। एम माइनस जीरो वन बाई एम, एम स्क्वायर प्लस वन, रेडियस कितनी है? वन, ये है ना? एम स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एम इनटू एम स्क्वायर प्लस वन, ठीक है लग रहा है। एक तो ये हटा दी, सो एम स्क्वायर प्लस वन का रूट डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू वन, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एम स्क्वायर। तुमको तो कभी पता नहीं पड़े, तुमको तो लाइफ में कभी चमके ही ना ये। अरे वो एम स्क्वायर माइनस वन ढेर जाओ तुम, है ना? मान ली बात आ रहा है, रिजेक्ट कर दो उसको, ठीक है? आपका नहीं, आपका सही आया है, ठीक है ना? तुम्हारे एम स्क्वायर प्लस वन क्या हो रहा पता है? तुम अगर यहाँ पर ये कट नहीं करते हो ना, और तुम इसको इधर ले जाके स्क्वायरिंग करते हो ना, तो वो एम स्क्वायर प्लस वन का फैक्टर बन रहा है, बन रहा है फैक्टर, और तुम उस फैक्टर के वो मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो एम स्क्वायर माइनस वन तो होगा नहीं। वो चीज मेरी यहाँ पे कट गई, अब मेरे आ गया है ऐसा। तो भाई एम की वैल्यू इनफाइनाइट है फिर, जो इसको सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि वन इक्वल टू जीरो तो कभी होगा नहीं, तो एम इनफाइनाइट है। अब एम इंफिनिटी है तो तुम समझ गए क्या कि वो स्लोप इनफाइनाइट है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स पेट, ये तो डायग्राम बना के कर सकते थे। किसी कोई कह रहा था, कौन कह रहा था डायग्राम? भाई सिक्स सेंस गजब का था, डायग्राम बना के कर सकते हैं क्या? अरे रे 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 रे, डायग्राम बना के तुरंत हो जाता पता है, क्योंकि ये पैराबोला हो गया और सर्कल कौन सा है? 1,0 वाला है, तो सर्कल ऐसा है, ये तुरंत दिख जाता है कि वाई एक्सिस ही टेंजेंट है, एक्स इक्वल टू जीरो। अरे यार मैंने ऐसे लदाड़ दिया ना, डायग्राम कौन बनाता है कॉमन टेंजेंट? वैसे कोई नहीं बनाता है, ठीक है ना? आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हो भाई? भविष्य देखने की ताकत है लोगों में। अरे लोगों में बहुत ताकत है, तुक्के में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल जाते। सर अगर उस इक्वेशन को स्क्वायरिंग किया तो आंसर गलत क्यों आ रहा है? ए, मैंने भी स्क्वायरिंग किया ही है ना, और स्क्वायरिंग करने से मैं तो गारंटी बिल्कुल नहीं ले रहा, तो मेरे भी आ रहा है ना इधर एम स्क्वायर माइनस वन। ये तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं अगर इसको उधर ले जाकर स्क्वायरिंग करूंगा तो मेरे भी एम स्क्वायर प्लस वन जो यहाँ कट रहा है वो उधर जाके कटेगा, मेरे भी आएगा वो। तो एम रियल होना चाहिए ना, तो उसको तो मैं रिजेक्ट करूंगा, उसके अलावा जो पॉसिबिलिटी आ रही है उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है? बढ़िया है, चलो ठीक है। अगला सवाल, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एम स्क्वायर कैसे करें फिर? हेरे भाई, एम की वैल्यू इनफाइनाइट है, इधर देख लो तुम, है ना? तुमको बात समझ, तुम जेकब इलेवन में कहाँ थे तुम? ये लीडिंग कोफिशिएंट जब कैंसिल होता है ना तो रूट इन्फिनिटी चले जाते हैं, ठीक है? इनफाइनाइट प्लस वन ही इनफाइनाइट के बराबर हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। लेबनीज लगा दोगे क्या? लेबनीज ही लगेगा, और क्या लगेगा? देखो देखे क्या हो रहा है। अरे नहीं, वो डाउट नहीं है, तो फिर क्या डाउट है भाई? फिर तो ये काटा पीटी करने के बाद एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एम स्क्वायर ही तो आ रहा है स्क्वायरिंग करने के बाद। लेबनीज लगानी पड़ेगी भाई, कोई उपाय नहीं है, जी ऑफ एक्स निकालने पे ध्यान दो फटाफट। एक्स प्लस वन इसको साथ में रखो, और जी ऑफ टी डी टी
जीरो से लेकर एक्स माइनस टी इंटू जी ऑफ टी डी टी जीरो से लेकर एक्स एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है। हाँ जी एक्स प्लस वन का वन हो गया जी ऑफ टी डी टी जीरो से लेकर एक्स एक्स प्लस वन इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स एक्स जी एक्स खत्म हो गया। एक बार और लगा दो सो जी एक्स प्लस जी डैश 12x square plus 2 if is e की पावर x so g of x into e की पावर x is e की पावर x into 12x square plus 2 क्या आ रही है? एक मिनट इतना तो चाहिए ही नहीं पता है अरे रे रे इतना तो चाहिए ही नहीं पता यहीं से काम हो जाएगा मैं सोल्व क्यों कर रहा हूं है ना जी प्लस जी डैश ही तो चाहिए यहीं पे पुट कर दो सीधा जी किसको चाहिए किसी को नहीं चाहिए हटाओ 12x स्क्वायर प्लस 2 ये 12x स्क्वायर प्लस 12 दिख गया अरे बाप रे 12 कट गया 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आ गया tan इनवर्स x दिख गया पाई बाई 4 दिख गया ठीक है। हाँ जी होमवर्क डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज वन एक्सरसाइज टू करके हो 25 और 5 30 सवाल ठीक है तीन भी दे दो तीन चार बार अगली बार दे देंगे है ना दो बार में कर लेते ठीक है। हाँ दैट्स इट फ्रॉम टुडेज क्लास ठीक है भाई अभी नहीं हो पाएगा मिस्टर ऐसे ना ठीक है तुम व्हाट्सएप पे डाल दो मैं देख लूंगा अभी नहीं हो पाएगा अगर एमओडी में वेरिएबल हो तो ब्रेक नहीं कर सकते अलग अलग वेरिएबल हो तो नहीं कर सकते से डिफरेंशिएशन ठीक है भाई चलो क्लास में अब स्पैमर आ गए बहुत ज्यादा अब क्लास खत्म करते हैं अब सेफ्टी सिक्योरिटी का खतरा है चलिए भाई है ना बाय।